इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कटोरा लेकर न्याय के लिए फरियादी एसडीएम दफ्तर पहुंचे। डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने लेखपाल को सस्पेंड भी कर दिया। लेखपाल ने आय से ज्यादा संपत्ति का आय प्रमाण पत्र जारी किया था। लेखपाल के खिलाफ न्याय के लिए कटोरा लेकर फरियादी गए और डीएम के आदेश पर लेखपाल के खिलाफ जांच कमेटी भी गठित की गई है। तहसीलदार निलंबित लेखपाल की अब जांच करेंगे और बीसलपुर तहसील इलाके के नगीपुर अकोला गांव का पूरा मामला है। ज्यादा जानकारी के साथ मोनिस हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। मोनिस, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? जी, मैं बताना चाहेंगे कि जो है बादाम सिंह पुत्र प्रीतम राम जो काफी समय से परेशान थे अपने आजीविका पत्र को लेकर, यानी ज्यादा इनकम का सर्टिफिकेट बना दिया था उनका, जबकि दूसरे लोगों का जो है जिनकी ज्यादा जमीन थी तो उनका जो है कम आय का प्रमाण पत्र बनाया था और इनका जो है ज्यादा बनाया था। इसलिए काफी समय से परेशान थे, तहसील के काफी चक्कर लगा रहे थे, कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही। फिलहाल और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है पूरे मामले को लेकर? मामले को लेकर जब जो है एसडीएम कार्यालय में जब पहुंचे जीत मांगने के लिए न्याय की, तो उसके साथ ही जो है एसडीएम संजय कुमार सिंह के आदेश पर लेखपाल से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया गया और जांच के निर्देश दिए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोनिस जानकारी के लिए। तो पीलीभीत पे ये मामला सामने आया है, जहां पर कटोरा लेकर न्याय के लिए जो फरियादी हैं वो एसडीएम के दफ्तर पहुंचे और डीएम के निर्देश पर, आपको बता दें कि एसडीएम ने लेखपाल को सस्पेंड भी कर दिया था और लेखपाल ने आय से ज्यादा संपत्ति का प्रमाण पत्र जारी किया था और इसी की एवज में ये सस्पेंशन हुआ है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है।